पहले रणबीर नरगिस को पब ले गए, फिर रॉकस्टार की टीम के साथ मिलकर नरगिस ने रखी रणबीर के लिए बर्थडे पार्टी। सरप्राइज पार्टी थी, मुझे पहले तो सरप्राइजेस पसंद नहीं है। और अब रणबीर ले गए अपनी कोस्टार को दुनिया से कहीं दूर, जहां कैमरा ना हो, मीडिया ना हो और ना ही हो कोई रोक टोक करने वाला। अपनी कोस्टार नरगिस को ले गए वो बादलों के बीच और वहाँ उन्होंने साथ मिलकर खाया चॉकलेट केक। वेल, हम ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना बता देते हैं आपको सच्चाई। रणबीर ने नरगिस को खुश करने के लिए बुक कर दी फ्लाइट। जी हाँ, रणबीर कपूर नरगिस फाखरी को ले गए 20,000 फीट ऊपर और सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे इन अ फ्लाइट। अब इसे कहते हैं अ परफेक्ट सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कल था नरगिस फाखरी का बर्थडे और नरगिस के इस बर्थडे को रणबीर ने किया काफी यूनिकली सेलिब्रेट। अब जाहिर सी बात है, जब रणबीर कपूर का हाल ही में हुआ बर्थडे तो वहाँ नरगिस फाखरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी टू गेट क्लोज टू रणबीर मदर, और वहाँ इन दोनों लेडीज ने एक दूसरे की कंपनी भी काफी एंजॉय की। रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी को जब नरगिस ने बनाया इतना स्पेशल, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नरगिस का बर्थडे हो तो रणबीर खुद कैसे रह जाते पीछे। रॉकस्टार की पूरी टीम ने एयरक्राफ्ट को बदल डाला इन अ पार्टी हॉल। द होल थिंग वाज प्लान्ड बाय रणबीर कपूर हिमसेल्फ। रणबीर ने नरगिस के लिए ऑर्डर किया उनका फेवरेट चॉकलेट केक एंड थ्रो किया अ ग्रैंड बर्थडे बैश। अब रणबीर, अगर आप अपनी कोस्टार को ले जाएंगे इन एन एयरक्राफ्ट और उनके लिए प्लान करेंगे इतना ब्यूटीफुल सा बर्थडे सरप्राइज, तो खबरें तो बनेंगी ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरगिस इज लाइक फैमिली, तो इसीलिए आपने लिए इतने एफर्ट्स टू मेक दिस बर्थडे स्पेशल फॉर हर। हर 4 महीने हमारी दुनिया अलग हो जाती है, हम एक फिल्म पे काम करते हैं, वो 100 लोग हमारी फैमिली बन जाती है। यार रणबीर, वी डू अग्री, आफ्टर ऑल आपकी फ्रेंडशिप की कहानियाँ हर वक्त फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही निकली हैं। फिर चाहे सावरिया के दौरान सोनम के साथ फ्रेंडशिप की बात हो, दीपिका के साथ बचना ए हसीनों के दौरान रिलेशनशिप में रहने का किस्सा हो, या फिर ये रूमर कि सबसे पहले अपनी फरारी में आपने बिठाया कटरीना को और अब फिरारी के बाद आप सीधा पहुंच गए एयरक्राफ्ट में, आपके इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को मानना पड़ेगा रणबीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।